नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र, मैं एक एलएससी एडवाइजर हूँ। आज की स्टूडियो में आप सभी दोस्तों के बीच में एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में आप बहुत से कस्टमर मुझे ना कहते हैं, बहुत से जो लोग कहते हैं भाई मुझे अभी पॉलिसी नहीं करवानी है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे अभी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई लोग कहते हैं मेरी अभी पॉलिसी चल रही है, ऐसे बहुत से कस्टमर मिलते हैं जिनको जो ना शब्द बहुत सुनते हैं। और अब मेरे जो साथी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम एजेंट हैं और अभी है जो जस्ट हमने पॉलिसी इंश्योरेंस के फील्ड में उतरे हैं और एक महीना हुआ, दो महीना हुआ, तीन महीना हुआ है और बहुत से कुछ छः महीने हो गए, पर यार पॉलिसी सेल नहीं हो पाती है। बहुत से कस्टमर हमें ना कहते हैं हमें पॉलिसी जरूरत नहीं है, पॉलिसी नहीं करवानी है और वहाँ से हमें भगा देते हैं। तो कैसे उन लोगों को आप पॉलिसी सेल कर पाओगे और हम खुद कैसे पॉलिसी सेल करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो आपको ये चीज़ है ना ये पकड़ में आ जाएगी तो 100% मैं कहता हूँ कि पॉलिसी आपके बिकना शुरू हो जाएगी, धड़ाधड़ से पॉलिसी सेल होना शुरू हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा। देखो मैं खुद अपना एग्जांपल लेकर चलूंगा तो शायद आपको कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा और 100% आपकी पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं भाई ये जो अभी हमें पॉलिसी नहीं करवानी है, जब पूरा प्लान समझ लेते हैं उसके बाद में कहते हैं भाई यार अभी पैसे नहीं है मेरे पास में, पॉलिसी मुझे अभी जरूरत नहीं है भाई। बहुत से लोग कस्टमर को आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा और क्या कहते क्या है भाई ये मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं अपने घर पे बात करूँगा, या जो अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, या मेरे से पहले से चल रही है पॉलिसी, ऐसे बहुत से जो डाउट और ऐसे जो बहुत से सवाल आपके साथ पेश करते होंगे और इन चीज़ों को लेके आप खुद अपने दिमाग में टेंशन लेके बैठ जाते हो और जो हाथ पे हाथ देके बैठ जाते हो कि भाई अभी यार इंश्योरेंस फील्ड में कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहुत से जो आपके दिमाग में आइडियाज आते होंगे, ऐसी थॉट दिमाग में आती होगी। पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, देखो आपने यदि इंडस्ट्रियल के इस जो फील्ड में इंश्योरेंस के इस फील्ड में कदम रख दिया है तो आपको पीछे नहीं हटना है, ये एक समाज सेवा का काम है और बहुत ही अच्छा है, इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता है। मैं आपको एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेकर बताऊं आपको कि भाई ये जो देखो किसी के परिवार में जब डेथ होती है ना तब उस टाइम उसके पास में जाके बैठना भाई और अपनी जेब से 50,000 निकाल के दे देना उस परिवार को, तो उस वक्त जो उस परिवार की आपके तरफ की जो होगी ना वो सोच होगी दिमाग में, जो एक दिमाग में पॉइंट बनेगा ना आपके लिए आपके प्रति जितना, शायद मेरे हिसाब से इससे बेहतर और हो नहीं सकता है। इसी प्रकार यदि आप उस फील्ड में हो रहे जो कंपनी LIC आपके खुद साथ में होके और जो 1,00,000 की जगह 10,00,000 की आपका चेक दे देते हैं तो क्या होगा आपका, क्या आपकी इज्जत नहीं बनेगी, क्या रेपुटेशन आपकी नहीं होगी, और जो आसपास के जो लोग आपको देखेंगे नहीं यार उतनी आपकी मार्केट बन जाएगी, तो आपको इस चीज़ का भरोसा नहीं है। जिन लोगों को ये चीज़ का पता नहीं है ना और जिनके साथ में ये चीज़ हो चुकी है और बहुत से लोग जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और जो बहुत से हमारे जो सर वगैरह हैं वो कभी जाते हैं किसी को जो क्लेम या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस वक्त जो चेक देते हैं ना तब उस परिवार का सहारा बनने की कोशिश करते हैं और जो ऐसा सहारा उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से आप भी उस फील्ड में होंगे और उस वक्त आप काम आ जाते हो तो आप मार्केट में इतना ज़बरदस्त छा जाओगे कोई भी आपकी टक्कर नहीं दे पाएगा। तो हमेशा इस चीज़ के लिए अपने दिमाग में बैठा हो कि भाई मेरे को पॉलिसी सेल करनी है, मैं अभी इस फील्ड में नहीं कमा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू रखना है 6 महीने 7 महीने, उसके बाद में तो आपकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी और बिकना शुरू हो जाएगी। और जब बिकना शुरू हो गई एक बार मार्केट में आप छा गए, कहता हूँ कि 100% आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बेहतर से बेहतर आपको पॉलिसी सेल होना शुरू होगी और एक पॉलिसी से 10 पॉलिसी आने लग जाएगी आपके। ये भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं भाई यार मेरे 2 महीने हुए 3 महीने हुए और भी छोड़ देंगे वो, पर अभी मैं आपको कहना चाहूँगा देखो ये आपका अभी शुरुआत है और आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत से लोग आएंगे और बहुत से आपको मार्केट में मिलेंगे ना कहेंगे, बहुत से कहेंगे, लेकिन आपको मोटिवेट रहना है आपको भाई जो मैं काम कर रहा हूँ अपना बिजनेस कर रहा हूँ, कोई मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं ना, तो बहुत से लोग कहेंगे लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुझे 1 साल 2 साल कंटिन्यू मुझे इस काम पे फोकस करना है, तो आपका काम 100% सक्सेस होगा और बहुत ही जल्दी आप ग्रोथ करना शुरू हो जाओगे क्योंकि अपर खुद अंदर से मोटिवेट हैं, खुद अंदर से मजबूत हैं, तो आपका पॉलिसी क्या बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी बिकना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, देखो हम भी दुकानदार हैं और हमें दुकानदार के साथ में जो एक आपके साथ में जो LIC वगैरह हैं इन चीज़ों में मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और बहुत से काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा देखो दुकानदार मैं हूँ तो स्पेशली मैं जो कोई भी प्रोडक्ट होता है कोई भी चीज़ मैं जो दिखाता हूँ कस्टमर को पसंद आता है तो वो ले लेता है, ये 100% श्योर हो रहा है कि भाई वो जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ या कोई भी चीज़ मैंने उसको बताई है, मैंने इतना कुछ उसको दिखा दिया सब खोल के बता दिया, वो कस्टमर के 100% श्योर है कि वो हमारे से प्रोडक्ट लेगा, नहीं लेगा कभी भी नहीं, ये जो कोई भी नहीं बता सकता कि भाई जो वो 100% आपसे लेगा या नहीं लेगा,
बहुत से जो ऐसे केसेस में होता है भाई, हमने जो उसको सब दिखा दिया चीज़ें, ये इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो हम निकाल के उसको दिखा देते हैं, पैकेट से खोल के दिखा लेते हैं, उसके बाद में कि यार कस्टमर कहता है मेरे को जरूरत नहीं है यार, ये नहीं चाहिए मुझे, तो क्या हम उसको निराश होकर बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसे जो बैठने से कोई मतलब नहीं है। देखो बिके ना बिके ये बात की ये बातें हैं, पर अपने आप को मोटिवेट रखना है, कंटिन्यू रखना है। और ऐसे जो हम डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं तो कल दुकान कौन खोलेगा, दुकान पे कौन आएगा, ऐसी चीज़ें बहुत से होती हैं। अपने आप को मोटिवेट रखो हमेशा, जो आप काम कर रहे हो ना इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, और ये इस फील्ड में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना इसे आप हमेशा अपने गांठ बांध के रखो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो अपने आप पे भरोसा रखो, बाकी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। दुनिया आपके जब जीत हो जाती है ना आपकी तभी वो साथ देगी, और जब आप हार जाते हो तब आपकी हंसी मजाक उठाते रहेंगे। और जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, गोल को अचीव करने की कोशिश करो, बहुत ही जल्द आप बहुत ही अच्छे मार्केट में छा जाओगे। और जब एक बार आपका टारगेट अचीव हो गया ना बहुत ही अच्छा, जैसे आपके जो 100 200 500 पॉलिसी के बीच में होगी, तो आपसे 500 की पॉलिसी का इसके साथ में कमीशन के साथ में, और जो 500 पॉलिसी आपकी हो रखी है उनका बहुत से जो कस्टमर आपके पर डे कोई ना कोई आता रहेगा और नई पॉलिसी आती रहेगी। तो अपना टारगेट को अचीव करने के लिए एक फिक्स टारगेट रखो कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, कैसे भी, बहुत से लोग मुझे ना कहे या हाँ कहे, मैं काम करता रहूँगा, कंटिन्यू रहूँगा, छोड़ने का तो नाम तक नहीं लूँगा। और एक और चीज़ जो नए कस्टमर है उनके साथ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं भाई हम नए कस्टमर हैं क्या करें, पॉलिसी सेल कैसे करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये जो फॉरम है ना अपने, ये LIC का फॉरम है, बहुत से जो अपने ये प्रपोजल फॉरम होते हैं पड़े होते हैं अपने पास में, अपने पास कुछ फॉरम ऐसे जो डबल भर दिया करो, या जो कोशिश करो यार कुछ उनका एक सैंपल रखा करो, जिससे जो कस्टमर जिसको भी दिखाओ आप वो एकदम तुरंत ही भरोसा कर जाए कि हाँ सच में आप एक LIC अभिकर्ता हो, एक LIC एजेंट हो, और हमारा भी ये जो एक अच्छे से जो अपना काम है वो कर पाओगे। जब तक आगे वाले कस्टमर को भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर, ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक वो इतना एक बार में हाँ नहीं कहेगा, ठीक है। तो भरोसा दिलाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अच्छे से उसके साथ में पेश आना पड़ेगा, तभी आपकी पॉलिसी बिकेगी और बहुत ही जल्द बिकना शुरू हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, बहुत से लोग हैं जो आपको इससे कहते होंगे भाई मेरी पॉलिसी सेल नहीं हुई, अभी 2 महीने हो, 3 महीने हुई है, 5 महीने हो गए मेरी पॉलिसी सेल नहीं हुई है, ऐसे टेंशन लेने से बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द उस बहुत ही अच्छे अचीवमेंट पर पहुँच जाओगे, ठीक है। आई होप कि छोटी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना स्पेशली, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।